हेलो एवरीवन, नमस्ते। अर्चना राठौर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है गुड़ी पाड़वा और गुड़ी पाड़वे की आप सभी को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा है कि ये जो नया साल है वो बहुत ही अच्छा होगा और कोरोना की ये जो महाबीमारी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए, आज जो प्रसाद बनता है वो बनाना सीख लेते हैं। इसको नीम प्रसाद बोलते हैं क्योंकि ये इन दिनों में खाना बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि इसका सेवन करना कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज बनाते हैं नीम प्रसाद। नीम प्रसाद बनाने के लिए हमें यहाँ पे नीम के फूलों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाले जो है ये नीम के फूल हैं और गुड़ी पाड़वे के टाइम ये फूल आ जाते हैं। और ये वाले जो हैं ये पत्ते हैं। कुछ लोग पत्तों से भी प्रसाद बनाते हैं, अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हम यहाँ पे नीम के फूलों से प्रसाद बना के रेडी करेंगे। उसको इस तरीके से तोड़ देंगे। नीम के जो ये फूल है उनको मैंने पहले ही धो लिया था पानी से, डंठल को। तो चलिए दूसरे भी चीज़ें जो है उनको भी देख लेते हैं कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे नाकिसा हुआ नारियल, भुनी हुई सौंफ और गुड़ है। साथ में हम रखेंगे नीम के फूल। सौंफ को मैंने अच्छे से भून के उसको दरदरा पीस लिया है और साइड में यहाँ पे हम नीम के फूल निकालते जाएंगे। इसकी जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हो आपके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे सूखा नारियल लिया है, नारियल को कीस के लिया है, तो इसलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा दूध इस्तेमाल करूँगी। आप यहाँ पे फ्रेश नारियल लेते हो तो दूध इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो हाथों की हेल्प से भी हल्का सा मैश कर सकते हो इसको, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरीके से बस थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और इस तरीके से आप प्रसाद बांट सकते हो। तो ये जो प्रसाद है ये खाने में हल्का सा कड़वा लगेगा, लेकिन हेल्थ के हिसाब से और इस ऋतु के हिसाब से ये बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए योग्य है। तो ज़रूर बनाइए और गुड़ी पाड़वे के दिन या फिर उसके बाद में भी आप इसको 3-4 दिन तक खा सकते हो।